हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपके अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब नवजात शिशु होता है, आपने देखा होगा उसके जो लिप्स होते हैं बहुत ही गुलाबी और बहुत ही प्यारे से होते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा 10 दिन का 15 दिन का होता है, बच्चे के होंठ काले काले से होने शुरू हो जाते हैं। आप देखते हैं बच्चे के लिप्स का कलर चेंज हो जाता है, और बच्चा जैसे जैसे फीड करता है बच्चे के लिप्स थोड़े से ऐसे पपड़ी से जम जाती है और थोड़े से सांवले पड़ते चले जाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि बच्चे के होठों को गुलाबी कैसे रखा जाए। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब नवजात शिशु होता है तो बच्चे के होठों को गुलाबी रखना बहुत ही बड़ा काम होता है। तो उसके लिए दोस्तों आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हैं वो है बच्चे के होठों का ख्याल रखना। वो कैसे करना है, देखिए दोस्तों, जब बच्चा दूध पीता है हमेशा तो बच्चे के लिप्स पर दूध जम जाता है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको लेनी है दोस्तों थोड़ी सी गुलाब की पंखड़ी। उसको आपको एक थोड़े से पानी में अच्छे से बॉयल कर लेना है, जिससे कि पानी का कलर जब तक चेंज ना हो जाए। और आपको लेना है एक कॉटन का कपड़ा। जब भी आपका बच्चा फीड कर चुका हो तभी आप उस कॉटन के कपड़े को हल्के से उस पानी में डिप करें और बच्चे के लिप्स को अच्छे से साफ कर दें। दोस्तों, अगर आप इस तरीके से बच्चे के लिप्स को साफ करेंगे, आपके बच्चे के लिप्स कभी भी सांवले नहीं पड़ेंगे, हमेशा गुलाबी बने रहेंगे। ये बहुत ही यूजफुल है दोस्तों। अगर आप घर में गुलाब की पंखड़ियों से गुलाब जल ये नहीं बना सकते हैं, तो आप बाजार से कोई भी डाबर का गुलाब जल लीजिए, उसमें हल्का सा बादाम का तेल मिलाइए हल्का सा, और उसको बच्चे के लिप्स पर लगा दीजिए। ये भी बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है दोस्तों, ये भी बच्चे के लिप्स को गुलाबी ही बनाए रखता है। अब बात आती है कि मॉइस्चराइज करके कैसे आप बच्चे के लिप्स को सुंदर बना सकते हैं, कैसे बच्चे के लिप्स मुलायम बहुत ही गुलाबी बनाए रख सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप ले सकते हैं घर से निकली हुई ताजी मलाई। ठंडी मलाई आपको नहीं लेनी है, दूध के ऊपर जो पतली सी मलाई जम जाती है आपको वो थोड़ी सी मलाई लेनी है हाथ पर, उसको इस तरीके से अच्छे से मैश करना है। उससे पहले अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लें। आपको वो बच्चे के लिप्स पर इस तरीके से हल्के से लगा देनी है और बस छोड़ देना है। दोस्तों, सर्दी के मौसम में बच्चे के होंठ फटेंगे नहीं, बच्चे के होंठ पर जितनी भी गंदगी होगी वो साफ हो जाएगी, बच्चे के होंठ मुलायम रहेंगे और बच्चे के होंठ गुलाबी बने रहेंगे। एक और उपाय दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, चुकंदर। देखिए दोस्तों, चुकंदर सभी जानते हैं बहुत ही फायदेमंद होता है, लिप्स के लिए भी और खाने के लिए भी। देखिए, बड़े लोग इसको खाते हैं तो ब्लड बहुत ही अच्छे से बनता है, आयरन की कमी पूरी होती है, बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन बच्चों के होठों को गुलाबी रखने के लिए आपको इतना सा चुकंदर का टुकड़ा लेना है, उसका आपको रस निकालना है 2 से 3 बूंद। आपको एक कॉटन की बॉल लेनी है और उससे बच्चे के लिप्स पर इसको दिन में 2 बार लगा देना है, सुबह शाम आप लगा दीजिए। आपके बच्चे के होठ नेचुरली गुलाबी बने रहेंगे दोस्तों, बहुत ही प्यारे बने रहेंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप गाय का शुद्ध देसी घी ले सकते हैं और दिन में 2 से 3 बार जब भी आपको लगे बच्चे के लिप्स सूख रहे हैं तभी आप बच्चे के लिप्स पर हल्का सा गुलाब गाय का घी लगा दीजिए। इससे भी आपके बच्चे के होंठ सुंदर मॉइस्चराइज और गुलाबी रहेंगे और बच्चे के लिप्स हमेशा ही जैसे बच्चा जब पैदा हुआ था हमेशा की तरह, तभी बच्चे के होंठ वैसे ही गुलाबी रहेंगे। इसके अलावा अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आप थोड़ी सी वैसलीन लीजिए, उसमें 2 से 3 बूंद आप बादाम का तेल डालिए, बादाम रोगन ऑयल आप इसमें डाल सकते हैं। दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए, जब आपका बच्चा रात में सोता है तब बच्चे के लिप्स पर लगा दीजिए और सुबह उसे अच्छे से क्लीन कर दीजिए। दोस्तों, 1 साल से बड़ा बच्चा है तो उसको ये सब चीजें नुकसान भी नहीं देंगी और ये बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है और बच्चे के लिप्स इससे बहुत ही सुंदर बने रहते हैं। साफ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखें, बच्चे के लिप्स को हमेशा दूध पिलाने के बाद साफ जरूर करें, क्योंकि जब आप साफ नहीं करते हैं तो उस पर एक डेड स्किन जम जाती है, बच्चे के होंठ फटने लगते हैं और काले पड़ जाते हैं, तो साफ जरूर रखिए बच्चे के होठों को। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, हमारा जो पूरा शारीरिक तंत्र होता है वो हमारी नाभि से जुड़ा होता है और नाभि में तेल लगाने के दोस्तों अपने आप में बहुत अधिक फायदे हैं। ऐसे में दोस्तों बच्चे की नाभि में आप सरसों का तेल लगा सकते हैं।
सरसों का तेल दोस्तों नाभि से हमारे लिप्स तक की सारी नसों नसों में आता है और हमारे जो लिप्स हैं सरसों के तेल के कारण दोस्तों मुलायम, सॉफ्ट और गुलाबी बने रहते हैं। जब रात को आपका बच्चा सोए तो आप उसमें 2 बूंद सरसों का तेल डाल दीजिए। इससे आपके बच्चे की लिप्स बहुत ही अच्छे बने रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे और फटेंगे भी नहीं। ये भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी दोस्तों बहुत ही यूजफुल है। तो दोस्तों इस तरीके से ये कुछ घरेलू उपाय अपनाकर आप अपने बच्चे के होठों का ख्याल रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, हर किसी के लिए अपना बच्चा बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन जो ब्यूटी बच्चे को भगवान ने दिया है उसको तो कम से कम खराब ना करें। अगर हमारे बच्चे के होठ सुंदर हैं तो आप उनकी केयर करके उनको और भी ज्यादा सुंदर बना सकते हैं। तो आप ये चीजें भी दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू, नमस्कार।